अगवा हुए 11 वर्षीय बच्चे का हुआ कत्ल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गत दिवस एक प्रवासी परिवार के 11 वर्षीय बच्चे को अगवा किया गया था, जिसके बाद देर रात परिवार के सदस्यों से 3.5 लाख की फिरौती मांगी गई, लेकिन आज आरोपी द्वारा बच्चे का गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और उसको एक नहर में फेंका गया। मौके पर पहुंचे डीसीपी मुखविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी नंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। अब शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? गोरख चौधरी नाम है, इष्टमोहन नगर। और क्या घटना हुई आपका लड़का क्या बोलकर? वो लड़का आया था पढ़ करके आया था परीक्षा दे करके, तो मतलब वो 2-4 बजे तक यहीं था। 4 बजे के बाद वो साथे चाय पिया है दुकान पे, वहाँ से वो सपोटी रोड तक 5 दुकान पे गया है उसके साथ। उस लड़के को पूछा गया कि वो कहाँ गया, तो बोलता हमको पता नहीं। वो उसका क्या नाम जिसके साथ गया था? नंदन। वो कहाँ के रहने वाला है? राधा, वो आपको भभुआ जिला का, गाँव का पता नहीं उसका। तो वो उसको घर से लेकर गया? अभी हम लोग देखे नहीं, हम लोग घर में कोई थे नहीं, वही फैक्ट्री काम होता था शर्मा का। तो आपके लड़के की कितनी उम्र थी? 11 साल। तो आपसे बात नहीं हुई उसकी? या मैं जा रहा हूँ कहीं यार दोस्त के साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि किडनैप वगैरह किया उसको? तभी तो फोन आया था रात में। अच्छा, आज सवेरे मोबाइल पे हमारे फोन आया था। क्या बोले? बोलता कि 3.5 लाख रुपया ले आओ, तो अपना 4 बजे लड़के को कहाँ लेके आओ पैसा बोलिए, तो कहता फोन से बताएंगे हम। अच्छा, किसने ये इतनी बात आपको कॉल करके बताई? वो नंबर है मेरे पास। हाँ नहीं, उसका को उसने अपना नाम बताया कुछ? नाम नहीं बताया। तो आपको क्या लगता है आपके लड़के ने कहाँ पर होगा इस टाइम, और कौन लेकर गया होगा वो? अब ये तो थोड़े बड़ा हमको कहाँ पर है लड़का, अभी उसको फोन उसने फोन किया ना, तो फोन पर कुछ बताया नहीं यहाँ पर? नहीं, जगह नहीं बताया, बाद में जगह बताएंगे। आपको लगता है नंदन ने गैप किया उसको? हाँ जी। आपको लगता है नंदन ने गैप? हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस ने क्या विश्वासन दिलाया आपको? अभी तो खोज खबर कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। नहीं, वो नंदन तो पकड़ा गया है। नंदन पकड़ा गया? हाँ जी। तो उसने कुछ बताया आप नंदन से? नहीं नहीं, वो मेरा लड़का है वहीं पर। अच्छा, तो आपको धमकी वगैरह भी आ रही है? नहीं नहीं, अभी धमकी नहीं है। बोलता कि पैसा ले आओ, ले आना, नहीं तो तुम्हारा लड़का नहीं रहेगा। अच्छा, कहते जान से मार देंगे। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आई सी भी किसे बच्चे नू जड़ा कोई गुमराह करके लै गया, और उस तो बाद जी रेंसम ली कॉल आई है 3.5 लाख रुपया, जिदे सवेर तो जी मान योग कमिश्नर साहब ने साड़िया टीम बनाइया से, जिदे बंदे जोड़ा बंदा रह के गया अरैसट कर लिया है, और जी असी पुछ पड़ताल की। उन्हें पहली पुछ पड़ताल तो यह गल दसी है भी मैं बच्चे नूं जिहड़ा बच्चा मैनूं गालां कढ़न लग गया सीगा, और मैं गुस्से च आ के शराब पीती हुई सी, बच्चे का गल दब के उन्हूं मार बैठा, और इत्थे नहर दे विच जिहड़ा उन्हूं सुल्तानगंज नहर दे विच मैं सुट्टिया। सो उहदी निशानदेही ते असीं उन्हूं बरामद कराउण की कोशिश करा रहे हां, और जदों सारी जिहड़ी बॉडी बरामद हो जाएगी उस तो बाद जिहड़ी अगली कार्रवाई होनी चाहिए। रैंसम कॉल उन्हें की 3.5 लाख रुपये की रात 12:15, और ये प्रवासी मजदूर ने इतने काम करते हैं, और ये फैमिली नू जानता है जिहड़ा नंदन है जिन्हें मारिया, दीपक नू जानता है, दीपक का भरा जिहड़ा लैके गया सी 11 साल का बच्चा से। सो बड़ी मंदभागी घटना हुई है, पर पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके इन जो बंदे फड़ लिया, और असं कोशिश कर रहे हैं भी उन्होंने बॉडी बरामद किया। थैंक यू।